चलिए मैं आपको कहानी बताता हूँ यूपी में रहने वाले किशन की, जो अपना खुद का घर बनाने का सपना बहुत समय से देख रहा था, लेकिन अपनी मेहनत की कमाई खो बैठा। अरे किशन, क्या हुआ? इतने उदास क्यों हो? मैं अपने घर के लिए मजबूत TMT सरिया चुन रहा था, लेकिन धोखा खा गया। मुझे एक इंसान का व्हाट्सएप मैसेज आया जो दावा कर रहा था कि वो टाटा स्टील से है। उसने टाटा टिस्कॉन 550 SD का प्राइस चार्ट मुझे व्हाट्सएप पर भेजा, जिसमें दी गई रेट्स मार्केट प्राइस से कम थी। घर के हिसाब से कितना सरिया चाहिए इसका मैंने तोल मोल किया और फिर उनकी भेजी गई रेट्स के आधार पर हिसाब किया और देखा कि मेरे बहुत पैसे बच रहे हैं, इसलिए मैं एक बार के लिए निश्चिंत हो गया। मुझे पैसे देते समय भी संदेह हो रहा था, लेकिन उन्होंने किसी तरह मुझे टाटा स्टील के नाम और भरोसे से निश्चिंत किया। इसमें मेरा आत्मविश्वास लौट आया और मैंने नेट बैंकिंग के जरिए 5 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। दिन बीतते गए और मैं रीबार डिलीवर होने का इंतजार करता रहा, लेकिन रीबार कभी डिलीवर नहीं हुआ। इससे मैं परेशान हो गया और मुझे चिंता होने लगी कि क्या मेरे सपनों का घर पूरा होगा या नहीं। और तभी मुझे समझ आया कि मैं अपना सारा पैसा खो चुका हूँ, मेरे 5 लाख रुपए डूब चुके हैं। मैंने पुलिस में शिकायत की और FIR दर्ज कराई। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। किशन, कुछ भी खरीदने से पहले ये ठीक से देखना चाहिए कि वो व्यक्ति टाटा स्टील द्वारा वेरिफाइड है या नहीं। अगर टाटा टिस्कॉन या कोई अन्य टाटा स्टील प्रोडक्ट्स ऑनलाइन खरीद रहे हो तो केवल aashiyana.tatasteel.com से खरीदना चाहिए, और अगर इसे ऑफलाइन खरीदना चाहते हो तो खरीदने से पहले हमेशा www.tatatiscon.co.in या aashiyana.tatasteel.com पर ऑथराइज्ड टाटा टिस्कॉन डीलर्स की सूची देखना, वरना कभी भी टाटा स्टील कस्टमर केयर को कॉल कर सकते हो और उनसे डीलर का नाम वेरीफाई करवा सकते हो। हमेशा याद रखना, टाटा स्टील कभी भी अपने ग्राहकों से फोन, ईमेल, SMS या व्हाट्सएप के जरिए सीधे संपर्क नहीं करेगा और ना ही उन्हें सीधे टाटा स्टील के बैंक खाते में पैसे जमा करने के लिए कहेगा। ऑनलाइन खरीदारी करते समय पेमेंट आशियाना के माध्यम से किया जाना चाहिए और ऑफलाइन लेन देन के लिए ग्राहकों को अधिकृत डीलरों के बैंक खातों में धनराशि जमा करनी चाहिए। याद रखिए, ये आपके साथ भी हो सकता है। समझदार बने, बेहतर चुने, सतर्क रहें।